खबर इटावा से है। महिरा फाटक अड्डा श्यामलाल में वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पालिका की ओर से चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान को शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष ज्योति गुप्ता ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई अभियान में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जलभराव की समस्या से मुक्ति मिलने पर क्षेत्रीय लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष का स्वागत भी किया। नगरपालिका परिषद इटावा की अध्यक्ष ज्योति गुप्ता ने सुबह लगभग 11 बजे अड्डा श्यामालाल पहुंचकर सबसे पहले जलभराव के कारण उत्पन्न हुई गंदगी को स्थलीय निरीक्षण करते हुए साफ सफाई में जुटे कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि साफ सफाई व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे दोबारा यहां जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो और न ही गंदगी जमा हो। इसके लिए क्षेत्रीय सफाई नायक को यहां प्रतिदिन नालों की सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर बचे कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जल निकासी के लिए खुदवाए गए नाले का भी निरीक्षण किया और पालिका के जेई हेमंत कुमार से इसके पक्के निर्माण के लिए टेंडर करवाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने लाइन पार क्षेत्र के लक्ष्मण वाटिका, नवीन मंडी, श्याम नगर, गणेश नगर समेत अन्य कई मोहल्लों में पहुंचकर यहां उत्पन्न जलभराव की स्थिति को भी देखा और क्षेत्रवासियों को जल्द इसके निस्तारण कराए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उनके साथ जिला पंचायत सदस्य शिवम पाल, नरेंद्र कुशवाहा, क्षेत्रीय सभासद अविनाश कुशवाहा, महेश सिंह पाल, अर्पित गुप्ता मौजूद रहे। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज आपने यहाँ निरीक्षण करने आए थी, क्या समस्या थी, यहाँ क्या निस्तारण कराएगा? समस्या, मैं चुनाव से पहले यहाँ पर आए हुए थे तो लोगों से मैंने अपनी वोटों की अपील की। लोगों की बस एक ही इच्छा थी कि यहाँ पे जो 4-5 साल से जो पानी भरा हुआ है वो उनसे उन्हें छुटकारा निजात मिले। और मैंने पब्लिक से यही वादा किया था कि हम आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, आप लोग मुझे अपना वोट दें और ये जो आपकी समस्या है, जो पानी की दिक्कत है, ये हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। अच्छा, तो यहाँ किस तरह का अभियान चलाया गया? आज यहाँ काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, किस तरह का अभियान चलाया? पालिका ने कितनी मशक्कत की इसमें? यहाँ पे अभी 50 से 60 लेबर अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम लगी और 72 घंटे से यहाँ बराबर काम चल रहा है। पानी की जो समस्या थी वो यहाँ पे दूर हुई और अभी मैंने निरीक्षण किया है, यहाँ पे जो मिट्टी जो मलबा है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जल बरसात आने वाली है, बरसात के दौरान यहाँ जल भराव ज़्यादा रहता है, अभी तो माल बरसात नहीं है, उससे निस्तारण के लिए क्या उपाय किए हैं? निस्तारण के यही उपाय किए हैं, जो पानी की मेन समस्या है पानी की, अब मतलब पानी भरा हुआ है, बरसात होगी तो और दिक्कत लोगों को सामना उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे नाली बनी हुई साइड से, अब उन लोगों को जो पब्लिक यहाँ रह रही है, ऐसी कोई समस्या का समाधान उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है कि आगे जल भराव यहाँ दोबारा ना हो? नहीं, इसके लिए जल भराव दोबारा नहीं होगा, बराबर काम चल रहा है हमारा और बड़े बड़े नाले बने हैं सारी समस्या। ये जल भराव की जो समस्या है, पानी अभी बरसात आ जाएगी फिर भरा जाए, तो उसके लिए क्या उपाय किया गया है? अभी यहाँ पे नाले, कच्चे नाले बनवाए गए हैं, जैसे ही नगर पालिका का पहला टेंडर कोई मीटिंग होगी तो वहाँ पे कच्चे नाले की जगह पक्के नाले यहाँ पे बनेंगे ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो।